किसी भी ध्यानात्मक आसन का चुनाव करें। रीढ़ की हड्डी एवं गर्दन सीधी रेखा में, अकड़न जकड़न ना हो, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, श्वास की गति मंद, बंद आंखों से एक बार पूरे शरीर को देख जाएं। तीन बार ओमकार का उच्चारण, तत्पश्चात शांति मंत्र, भरिए लंबा गहरा श्वास। शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखें, ध्यान कंठ पर केंद्रित करें, गर्दन बिल्कुल सीधा रखें, तेज गति से श्वास पर श्वास कीजिए। कंसंट्रेट ऑन द वोकल कॉर्ड लैरिंक्स, इनहेल एंड एक्सहेल डीपली एंड रैपिडली थ्रू द नोज विद इक्वल फोर्स। Relax. धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाएं, पीछे की ओर झुकाएं, tilt the head back. Concentrate on the crown of head. Inhale and exhale deeply and rapidly through the nose with equal force. रिलैक्स, धीरे धीरे गर्दन सीधा करें, आंखें बंद ही रखें, मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन को अनुभव करें। धीरे धीरे आंखें खोलें, नीचे जमीन की ओर देखें, गर्दन बिल्कुल सीधा रखें, ध्यान सिर के ऊपरी नरम स्थान पर लगाएं, चलाइए तेज गति से श्वास पर श्वास। आलस्य बिल्कुल ना करें,
रिलैक्स, आंखें बंद, गर्दन आगे झुकाएं, ठुड्डी कंठकूप से लगाएं, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है वो गर्दन आगे ना झुकाएं, गर्दन सीधा रखकर ही अभ्यास करें। नाउ स्टार्ट, इनहेल एंड एक्सहेल डीपली एंड रैपिडली थ्रू द नोज विद इक्वल फोर्स। ध्यान गर्दन के पिछले ऊपरी भाग पर केंद्रित करें। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस, गर्दन सीधी, आंखें बंद ही रखें। मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन को अनुभव करें। इन क्रियाओं के अभ्यास से शरीर में, मस्तिष्क में वात पित्त कफ के इंबैलेंस से होने वाले दोष दूर होते हैं। बुद्धि शक्ति एवं स्मरण शक्ति का विकास होता है। शरीर के अंदर परम प्रेम तथा आकर्षण शक्ति की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे दोनों हाथ साइड से ऊपर उठा दें। ऊपर ले जाकर दोनों हथेलियां मिला लें बीच में, आपस में इंटरलॉक करें, थोड़ा कोहनी मोड़ें, नीचे की तरफ लाएं और ऊपर की तरफ ले जाएं। खींच कर रखें ऊपर की तरफ, शाबाश, और खींचिए थोड़ा ऊपर, धीरे धीरे हाथ सिर के पीछे ले आए, गर्दन से पीछे की तरफ दबाव डालिए, हाथों से आगे की तरफ। श्वास सामान्य रखें, श्वासों को रोकने का प्रयास ना करें। फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, खींची अच्छे से ऊपर और थोड़ा ऊपर। अब लेफ्ट साइड झुक जाएं, सामान्य श्वास में यहां रुके रहें, नॉर्मल ब्रीदिंग में होल्ड करके रखिए, शाबाश। अपनी अपनी क्षमता अनुसार जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, जो रुकने में असमर्थ है वो मूवमेंट से करेंगे दोनों साइड। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ इस बार माथे के आगे रखें, हाथों से पीछे की तरफ दबाने का प्रयास करें और माथे के सिर की ताकत लगाते हुए आगे की तरफ। फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पहले ऊपर खींची अच्छे से, थोड़ा और ऊपर और ऊपर। अब राइट साइड झुक जाएं, शाबाश। फेस मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रखें, ब्रीदिंग नॉर्मल, सामान्य श्वास में जैसे एक्सहेल करते हैं अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा और साइड में जाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस बीच में, दोनों हाथ सिर पर, इंटरलॉक खोल दें, अलग अलग लगाएं। एक साइड से पहले राइट साइड से दबाव डालिए, अब लेफ्ट साइड से, अब यहीं से दोनों हाथों को शरीर सिर के ऊपर से पीछे ले जाएंगे अपोजिट कंधे पर।
सीना आगे की तरफ निकालिए, शाबाश। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें, पेट फुलाएं, सीना फुलाएं, थोड़ा और फुलाएं सीना, शाबाश। लेकिन पूरा प्रयास, आपका ज्यादा तनाव नहीं लेना है, फेस मसल्स आपके बिल्कुल रिलैक्स रहने चाहिए। यहीं से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, एक्सहेल करते हुए आगे झुकें, दोनों हाथ जमीन पर आगे की तरफ बढ़े। जिनको कमर दर्द है वो ध्यान दीजिए, आपको कोई भी अभ्यास ऐसा नहीं करना है जिसमें फ्रंट बेंडिंग हो, आगे झुकना हो, आप ऊपर ही हाथ खींचकर होल्ड कीजिए, शाबाश। थोड़ा थोड़ा और आगे, शाबाश। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, वापस ऊपर, दोनों कोहनिया साइड में, वहां हाथ मुड़े हुए, अंगूठे और उंगलियों को कंधे पर रखें, गोल गोल घुमाएं आगे से पीछे की ओर 5 बार, उसके बाद पीछे से आगे की ओर 5 बार। गर्दन सीधी रखकर अभ्यास करें, देवदत्त शर्मा जी, आगे नहीं झुकाना। गुड, अब दोनों हाथ साइड में खोल दें, कलाई से अपनी तरफ खींच कर रखें दोनों हाथों को, शाबाश। और खींचिए, पूरी ताकत लगा दें और थोड़ा ताकत लगाएं, शाबाश। फेस मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रखें, चेहरे पर तनाव नहीं आना चाहिए। अब हाथ यहीं रहेंगे, कलाई को नीचे की ओर ढीला छोड़ दें। वेरी गुड, शाबाश। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, आपस में इंटरलॉक करें, थोड़ा सा पीछे झुकें, दोनों हाथ जमीन पर रखें, गर्दन पीछे झुका दें। जो लोग हाथों को इंटरलॉक करने में असमर्थ है, वो अलग अलग हाथ करके पीछे रखें, गर्दन पीछे झुकाएं, कंधे पीछे झुकाएं। धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर। अब यहीं से साइड ट्विस्टिंग करेंगे, राइट हैंड
लेफ्ट घुटने पर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड पीछे कमर के बीचों बीच पीछे की ओर रखें, गर्दन घुमाएं पीछे की ओर देखने का प्रयास, पार्थ जैन बेटा घुटने पर रखो एक हाथ, ट्विस्ट करो पूरी बॉडी को, धीरे धीरे वापस आए दूसरी ओर जाए, धीरे धीरे वापस बीच में आए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा जैसे आपको सुविधा लगे। कपालभाति क्रिया के अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। अगले 5 मिनट तक हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे, सभी अपनी अपनी क्षमता अनुसार करें, जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। जहां आपको लगता है थकान हो गई वहीं 2 लंबे गहरे सांस लेने हैं, 2 सामान्य सांस, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करना है। जरूरत पड़े तो और थोड़ा सामान्य सांस करने के बाद करें। कीजिए शाबाश, स्टार्ट कपालभाति। शाबाश, अभ्यास जारी रखें, आंखें बंद कर कर अभ्यास करें। पूरा ध्यान कपाल क्षेत्र पर यानी मस्तक के अग्र भाग पर केंद्रित करें, फेस मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रखें, कंधे रिलैक्स रखें, शाबाश शाबाश, लगातार अभ्यास में बने रहें, आलस्य बिल्कुल ना करें। छोटे छोटे क्षणों का आलस्य आपको अभ्यास से कोसों दूर ले जाएगा। दृढ़ता के साथ अभ्यास में बने। लास्ट 2 मिनट्स
लास्ट 1 मिनट, रिलैक्स एवरीवन, आंखें बंद ही रखें, कपाल शुद्धि का अनुभव करें, कुछ क्षण शरीर में होने वाले परिवर्तन को अनुभव करें। अब सभी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 3 राउंड, एक बार में 20 बार फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल, उसके बाद लंबा गहरा सांस, इनहेल अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी होल्ड एंड रिटेन, और धीरे धीरे एक्सहेल, इसी को दोहराना है 3 बार। कीजिए स्टार्ट, शाबाश। शाबाश शाबाश, अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरें, 6 की गिनती तक सांस रोक कर रखें या अपनी क्षमतानुसार कम ज्यादा। 6 की गिनती में सांस बाहर छोड़ दें या अपनी क्षमता अनुसार डबल करने का प्रयास करें। सेकेंड राउंड, रेडी स्टार्ट। रिलैक्स, लंबा गहरा सांस भरें, पेट फुलाएं, सीना फुलाएं, थोड़े कंधे पीछे, मैक्सिमम इनहेल, अपनी क्षमता अनुसार रोक कर रखें। जो लोग कपालभाति और भस्त्रिका का अभ्यास करने में असमर्थ हैं, वो इसकी जगह योगिक डीप ब्रीदिंग, तनाव रहित अभ्यास करें, शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें, अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। लास्ट राउंड, रेडी स्टार्ट।
रिलैक्स, टेक अ डीप इनहेल, होल्ड, रिटेन देयर अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. धीरे 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 लंबा गहरा एक्सहेल. आंखें बंद ही रखें, कुछ क्षण शरीर में होने वाले परिवर्तन को अनुभव करें, विचारों की शून्यता को अनुभव करें. शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करें. अब अपने अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएं. दोनों पैरों के बीच कंधे के बराबर फासला. दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले आएं, सिर की ओर. कलाई को अंदर की तरफ से घुमाएं, हथेलियां जमीन पर. यहाँ पर योगिक डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करेंगे. श्वास भरते हुए पेट फुलाएं, सीना फुलाएं, साइडवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे सीना रिलैक्स, पेट अंदर. श्वास भरते हुए पेट फुलाएं, सीना फुलाएं, हाथ थोड़ा और ऊपर खींचिए, शाबाश. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लंबा गहरा एक्सहेल, मैक्सिमम एक्सहेल. रिलैक्स. धीरे धीरे साइड से करवट लेते हुए उठकर बैठने की मुद्रा में आए. अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार हो जाए. राइट हैंड प्राणायाम मुद्रा, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा. कीजिए राइट हैंड के अंगूठे से राइट नासिका बंद, लेफ्ट से धीरे धीरे लंबा गहरा एक्सहेल या प्रयास कीजिए 6 सेकंड में श्वास भरने का. उसके बाद 3 सेकंड सांस रोक कर रखें.
अब लेफ्ट नासिका बंद कर लें, राइट नासिका से अंगूठा हटा दें, 6 सेकंड में राइट से एक्सहेल करें। पूरा एक्सहेल होने के बाद फिर से 3 सेकंड सांस रोक कर रखें। पुनः फिर से राइट से सांस भरें लंबा गहरा 6 सेकंड। तीन सेकंड रोक कर रखें, दूसरी ओर से 6 सेकंड में छोड़। यानी कि जहां से आप सांस भर रहे हैं हमेशा दूसरी ओर से सांस छोड़ना है, जहां से सांस छोड़ रहे हैं वहीं से पुनः फिर से सांस भरना है। अल्टरनेट नोस्टल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम। सांस भरने और छोड़ने का समय 6 सेकंड रखें, 6 सेकंड में भरें, 6 सेकंड में छोड़ना है। श्वास भरने के बाद रोकना है, श्वास छोड़ने के बाद रोकना है, दोनों जगह 3-3 सेकंड। बाकी सभी अपनी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो असमर्थ है इतना करने में वो 5:2:5:2 रेशियो से करे, जो लंबे समय से अभ्यास में से जुड़े हुए हैं वो रेशियो को और बढ़ा सकते हैं, 6:6:6:6 रख सकते हैं या 6:12:12:6 रख सकते हैं। प्रारंभ में ज्यादा देर सांस रोकने से सांस भरने और छोड़ने का समय कम हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए प्राण पर नियंत्रण के लिए बिना कुंभक के प्रारंभ में अभ्यास बताया जाता है ताकि लयबद्धता आए, फिर थोड़ा थोड़ा कुंभक, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, उसी को बढ़ाते जाएं और पूरा नियंत्रण में रखते हुए लेना और छोड़ना हमेशा गहराई में रहे और छोड़ना डबल रहे। कमर एवं गर्दन सीधी रेखा में रखें। सांस भरने और छोड़ने की आवाज ना आए। फेस मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रखें। चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव खिंचाव ना हो। अभ्यास की गहराइयों से जुड़ने का प्रयास करें। जब राइट नासिका से आप सांस भरते हैं तो अंदर जाकर नासिका के गर्माहट का अनुभव करें। लेफ्ट से जब सांस भरते हैं शीतलता ठंडक का अनुभव करें। वहीं दोनों नासिका शिरों पर सांस भरते समय शीतलता का अनुभव करें, ठंडक का अनुभव करें। सांस बाहर जाते समय हल्की गर्माहट का अनुभव करें।
आलस्य बिल्कुल ना करें, अभ्यास कीजिए शाबाश। प्राणायाम के अभ्यास में खासकर लोग आलस करते, लेफ्ट से एक्सहेल करते हुए अभ्यास को विराम दें। कुछ क्षण के लिए शरीर में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करें। तब 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। षण्मुखी मुद्रा के साथ 6 सेकंड में श्वास भरें, 12 सेकंड में हमिंग साउंड के साथ नासिका से एक्सहेल जीभ को ऊपर तालू से लगाकर रखें। कीजिए शाबाश। रिलैक्स। शांत। मस्तिष्क के इर्द गिर्द होने वाले परिवर्तन को अनुभव करें। शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करें।
दोनों हाथों को परस्पर मिलाएं प्रार्थना मुद्रा में, अपने इष्ट देव भगवान गुरु माता पिता जिन्हें भी आप मानते हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, उनका असीम आशीर्वाद आप पर इसी प्रकार बना रहे, आप स्वस्थ रहें, लगातार अभ्यास से जुड़े रहें और जीवन में योग को अपनाए रखें, दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़ें। अच्छे से गर्म करें, गर्म हथेलियों को पलक बंद आंखों पर ढक लें, उष्मा को ऊर्जा को ग्रहण करें, हाथ चेहरे पर फेरते हुए चेहरे की सुंदरता का अनुभव करें, प्रसन्नता का अनुभव करें, गर्दन कंधे सीने कमर पेट से होते हुए पैरों के अंगूठे तक मुस्कुराते हुए आंखें खोल दीजिए। ओम शांति।